दोस्तों हम आ चुके हैं श्री सिद्धि विनायक ज्ञान विद्यापीठ, ये शाला है, मतलब वेद शाला है। तो फिर यहाँ पे आ चुके हैं। ये आश्रम भी है, परिक्रमावासी की सेवा भी होती है और बहुत सुंदर बनाया है। और गौशालाओं की भी इंतज़ाम है और वन भी लगाया हुआ है, मतलब पेड़ लगाए हुए। बहुत अच्छे गुरुजी भी यंग इसमें विद्या दे रहे हैं लोगों को, बच्चों को, और अच्छी संस्कृत वेदशाला है। चलिए दिखाते हैं आपको, बहुत सुंदर है। देखिए दोस्तों, ये है श्री सिद्धि विनायक वेदशाला, विद्यापीठ बोलते हैं। और ये है गौशाला सामने, और ये छोटा सा वन लगाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है इस वन में। और यहीं पे हमने, आपको याद हो तो, मेरे जन्मदिन के अवसर पे हमने बेल के पेड़ दिए थे यहीं पे लगाने के लिए, वो लगाए होंगे कहीं पे साइड पे। और गौवें हैं, गौवों की सेवा छोटे छोटे बच्चे करते हैं। वेदशाला भी है इसलिए पढ़ते भी है, संस्कृत पढ़ाई होती है यहाँ पे, वेदों की पढ़ाई। और मंदिर सिद्धि विनायक जी के भी दर्शन कराऊंगा मैं, बहुत सुंदर है। और ये रही, ये पुराना है स्ट्रक्चर, मतलब ये आश्रम पुराना है और सब कुछ बहुत रम्य है। और ये है बिल्लोरा गांव में आपको किनारे पे मिलेगा ये आश्रम। वैसे तो छूट जाता है, लेकिन हमने पूछ पूछ के आए थे तब जाके मिला आप मुझे, और बहुत सुंदर आश्रम है। चलिए आपको दर्शन कराते हैं सिद्धि विनायक जी के। ये है विद्यापीठ में, बच्चे ही सब भोजन वगैरह बनाते हैं। और ये इनकी शाला है, भोजनशाला, चूल्हे पे बनता है सब। अरे वाह, तो नर्मदे हर 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 महादेव। अब आपको दर्शन कराते हैं श्री सिद्धि विनायक शक्तिपीठ के पीठाधिपति, मतलब विनायक जी। चलिए दर्शन कराते। ये है मंदिर श्री सिद्धि विनायक जी का, और ये साउथ इंडिया से प्रेरित, या फिर उनकी ही क्या बेस बोल सकते हैं आप, उनसे प्रेरित है ये। और ये है श्री सिद्धि विनायक और रिद्धि सिद्धि के साथ में। और मंदिर भी सुंदर बनाया है, ऊपर से भी साउथ इंडिया जैसा है, साउथ इंडिया के मंदिरों जैसा, मतलब बहुत सुंदर। और ये है आश्रम, सब बच्चे संभालते छोटे छोटे। और एक महाराज जी है, अरुण जी है, जो कि आप पिछली वीडियो में देख चुके हैं, इनके यंग है। ये देखिए ऊपर मंदिर, सुंदर। और बच्चों को सब फ्री दिया जाता है, गुरुकुल परम्परा निभाई जाती है यहाँ पे। हाँ, नर्मदा जी तो है ही, देख। ये बच्चा भी यहाँ पे पढ़ता है, सागर का है, सागर जिले का, एमपी का। दोस्तों श्री सिद्धि विनायक विद्यापीठ से हम चल पड़े हैं आगे की ओर, किनारे किनारे मैया के नज़र निहाल आश्रम की ओर चल पड़े हैं। तो चलिए चलते हैं नज़र निहाल आश्रम, मैया के दर्शन करते करते। हमारे साथ है खंडवा से महाशय जी, बोलिए। सुदीप अत्रे। हाँ अत्रे जी, मुझे पता है, मैं महाशय जी बोल रहा हूँ ना, ठीक है, नर्मदे हर्ष बोल रहा हूँ मैं। हम नज़र निहाल आश्रम आ चुके हैं दोस्तों। ये रहा नज़र निहाल आश्रम का घाट है पर्सनल, ये देखिए। चलिए ऊपर चलते हैं। आ गए हम दोस्तों सुंदर आश्रम, नज़र निहाल आश्रम, एमपी का नज़र निहाल। दोस्तों अब शाम के 5 बज चुके हैं,
हम चलते हैं, ये स्नान करने चलते हैं दोस्तों। और कहाँ जाएंगे, मैया का आशीर्वाद लेने जाएंगे और स्नान करने जाएंगे। बहुत सुंदर घाट, बहुत सुंदर है। चलिए दिखाता हूँ घाट। देखिए दोस्तों, ये है नर्मदा जी का घाट, बहुत सुंदर घाट। उधर भी अच्छा था, जो अपन बिल्लोर में देखे ना गांव, उस गांव में जो श्री सिद्ध विनायक आश्रम जो था, श्री सिद्धि विनायक मंदिर और आश्रम, वो भी अच्छा था। गुरुकुल है दोस्तों, वो गुरुकुल पद्धति अपनी। और गुरुकुल पद्धति के बारे में एक बात बहुत अच्छी है, वो उधर सभी लोग सभी काम कर रहे थे, सभी बच्चे, ठीक है। मतलब इससे क्या समझ में आता है, इससे ये समझ में आता है कि गुरुकुल पद्धति सिर्फ वेद शास्त्र का ज्ञान देने के लिए नहीं थी, ये गुरुकुल पद्धति थी आत्मनिर्भर रहने की एक कला, और यही सिखाती थी गुरुकुल पद्धति। और गुरुकुल पद्धति में सभी वर्ण सिखाए जाते थे। बाद में ये सब थोड़ा सा बदलता गया, लेकिन इट्स ओके। आज भी गुरुकुल है, लेकिन अभी उनका वो हाल रहा नहीं। और वहाँ पे तो फ्री में है सब कुछ, सिर्फ ज्ञान लेने आओ आप, ऐसा बोला जा रहा है, तब भी बच्चे नहीं आ पा रहे। महाराज ने बताया हमको कि भाई क्या चल रहा है गुरुकुल पद्धति में। देखिए दोस्तों, ये मैया का स्वरूप, और सुंदर, बहुत सुंदर। इधर से आए थे हम, देखिए आगे है मुखेड़ी घाट है, आगे सूरज भगवान प्रस्थान कर रहे हैं। सुबह मिलेंगे सूरज भगवान। और नजर निहाल आश्रम, सुंदर बड़ा आश्रम है और बड़ा घाट है उतना ही। दोस्तों आपको नजर निहाल आश्रम के घाट से लाइव सूर्यास्त दिखाते हैं मैया जी के किनारे का। ये देखिए जो सूर्य जी की शैडो पड़ रही है ना जल में, देखिए बहुत ही सुंदर। और ये जो कलर आ रहा है इसमें, उसकी तो कोई तुलना ही नहीं है। और सेकंड के हिसाब से नीचे जा रहे हैं, देखिए। चलिए बहुत दूर है वैसे। ये है हम मैया जी के किनारे, 5:30 बजे इतनी सुंदर दिखती हुई मैया। हम स्नान करके आ चुके हैं, अब चलते हैं, आरती होने वाली है। आरती, भगवान भोलेनाथ जी की आरती करते हैं, फिर मैया के लिए ध्यान करते हैं, मतलब मैया के लिए नहीं अपने लिए ही ध्यान करते हैं, फिर आगे का प्रोग्राम चालू रहेगा और थोड़ी थोड़ी जानकारी भी देंगे आपको। चलिए नर्मदे हर। दोस्तों नजर निहाल आश्रम की खास बात बताऊं तो, यहीं से जो अयोध्या में राम मंदिर, जो नया अपने राम जी का मंदिर बन रहा है वहाँ पे, यहीं से जो नर्मदेश्वर महादेव की स्थापना हुई है वो यहीं से गए हैं। ये है नजर निहाल आश्रम की खास बात। हम नजर निहाल आश्रम वाले नर्मदेश्वर वहाँ पे हमेशा के लिए देखे जाएंगे। अब नर्मदा जी के किनारे से गए हैं, सोच लो आप, कितनी अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए ये मंदिर कितना सुंदर है, संगमरमर के स्टोन से बना हुआ, देखिए बहुत सुंदर मंदिर। महाराज जी ने स्थापन किया था बहुत पहले, इस आश्रम की स्थापना की थी। पक्षियों की आवाज़ सुन रहे हैं आप? भोजन का समय हो चुका है, थाली हमने धो ली है फटाफट, और अब बैठना है भोजन के लिए। हमने आसन वहाँ पे लगाया हुआ है, और ये रहा यहाँ पे हमने थाली अपनी बेल लगा के आसन लगाएंगे भोजन के लिए।
और ये रहा आश्रम, और यहाँ पे व्यवस्था होती है परिक्रमावासी की। दोस्तों भोजन के बाद एक नंदी बीमार पड़ गया है, उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है, तो डॉक्टर आए हैं नज़र नियाल आश्रम में, तो उनको थोड़ा सा हैंडल करना है, गौ सेवा समझ लो इसको, तो हैंडल करने के लिए थोड़ा बुला रहे हैं, क्योंकि जो हैंडल करते हैं उनको थोड़ा चोट लगी है, इस वजह से नंदी सीधा है। चलो देखते हैं क्या हुआ है नंदी जी को। देखिए दोस्तों ये है कीर जाति से है नंदी, भगवान भी बड़े हैं, देख के ही डर लग रहा है, लेकिन ये बहुत सीधे है, जो नहीं मारता है इतना सीधा, और इतना बड़ा है ये। इनका नाम है हरी, हरी चले शिव जी के घरी। क्या दिक्कत हो रही है? वो तो है आजू बाजू छिड़के, बस ना डॉक्टर साहब हो गया ना, खोल दो इसको, ठीक है।